मैं आज सबको हंडी चिकन रेसिपी सिखाऊंगा। मैं भी जा रहा हूं चिकन लाने के लिए चिकन दुकान में, और ये आप देख सकते हो मेरी रामप्यारी है अपाची 160, बहुत अच्छा लगता है चलाने से, आप भी चलाइए। और मैं चिकन दुकान को पहुंच गया हूं, आप देख सकते हैं चिकन दुकान को, और चिकन वाले को बोला कि मुझे हाफ किलो चिकन चाहिए, और वो काट के मुझे चिकन दे दिया। फिर मैं निकला घर को, फिर रास्ते में हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और ढेर सारा प्यार भी दीजिए और कमेंट भी कीजिए। और फिर देखिए ये मेरा कैंपस आ गया, मैं अपने रूम की तरफ निकला हूँ, फिर मेरा ये रूम आ गया। फिर मैं प्याज काटने लगा हूँ, देखिए किस तरह से काट रहा हूँ, आप उस तरह से प्याज को निकाल के काटिए, अच्छा लगता है। लेकिन काटने के बाद आंसू आता है, देखिए, और काटने के बाद देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा, बारीक बारीक सब कुछ अच्छा लगेगा। फिर चिकन को धो के कुछ इस तरह से देखिए हांडी में आपको डालना है, कुछ इस तरह से डाल दीजिए सबको, सब चिकन को देख सकते हैं। फिर मसाला डालना है इस तरह से, धनिया पाउडर डालना है इस तरह से थोड़ा थोड़ा, फिर जीरा का भी पाउडर डालना है इस तरह से थोड़ा थोड़ा, फिर लंका पाउडर भी डालना है, फिर हल्दी पाउडर भी डालना है, गरम मसाला भी डालना है, थोड़ा थोड़ा ही डालना है सब कुछ, और नमक डालना है स्वाद अनुसार, आपके हिसाब से थोड़ा सा डालना है। फिर प्याज हरी मिर्च सब कुछ हांडी में इस तरह से सब कुछ डाल देना है, आप देख सकते हैं किस तरह से मैं डाल रहा हूँ। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस तरह से डाल दीजिए, थोड़ा सा नॉनवेज पेस्ट भी इस तरह से डाल दीजिए थोड़ा सा, और कुछ इस तरह से दिखेगा। टमाटर को भी नींबू की तरह कुछ दीजिए यहाँ पे, अच्छा लगेगा उस इस तरह से कर देना। ऑयल भी थोड़ा सा, बहुत नहीं इतना देखिए इस तरह का थोड़ा सा डाल देना, और कुछ इस तरह से मिक्स कर देना, ऐसा मिक्स करोगे बहुत अच्छा लगेगा आपको, अच्छा देखिए इस तरह से मिक्स कर देना। फिर आधा घंटे के लिए कुछ इस तरह सा रख देना, आधा घंटे के बाद आप प्याज में इस तरह सा डाल सकते हैं। जब चिकन हो जाएगा, जब हो जाएगा ना आधा से दिखेगा, देखिए चिकन हो गया है और किस तरह से दिख रहा है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब